ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर कपल में से एक हैं। दोनों के बीच बेहतरीन केमिस्ट्री देखी जाती है। दोनों को साथ देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि उनके बीच कभी झगड़ा भी होता होगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक वक्त था जब दोनों के भी अक्सर झगड़े हुआ करते थे। ऐश्वर्या और अभिषेक इस बात का खुद खुलासा कर चुके थे। ऐश्वर्या ने दोनों के बीच अनबन को झगड़ा बताया था, जबकि अभिषेक इसे असहमति बता चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि दोनों बाद में कैसे इन झगड़ों को सुलझाया करते थे। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन ने साल 2010 में वोग इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में शादी के बाद झगड़े होने की बात को स्वीकार किया। उनसे पूछा गया कि क्या वे लड़ते हैं। ऐश्वर्या ने पहले जवाब दिया, ओह हर दिन। वही अभिषेक ने कहा था, लेकिन वह इसे असहमति मानते हैं, झगड़ा नहीं। वह सीरियस झगड़ा नहीं होता, एक हेल्दी फाइट होती है। शादी में ये होना ठीक माना जाता है, नहीं बहुत ही उबाऊ लाइफ हो जाती है। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय से फिर पूछा गया, लड़ाई होने पर इसे सुलझाने की पहल पहले कौन करता है। इस पर अभिषेक एक्साइटमेंट से पहला जवाब देते हैं, मैं। महिलाएं पहल नहीं करती, लेकिन हमारा एक नियम है, हम लड़ाई होने के बाद सोते नहीं और सभी पुरुषों के बचाव में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज्यादातर हमारी ही गलती होती है, सॉरी हमें ही कहना होता है। मैं रात को बहुत जल्दी मुझे नींद आती है, इसलिए मैं सॉरी बोलकर सोने चला जाता हूँ। अभिषेक बच्चन ने आगे कहा, इसके अलावा महिलाएं श्रेष्ठ हैं और वे हमेशा सही होती हैं। जितनी जल्दी पुरुष इसे स्वीकार कर ले उनके लिए बेहतर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कहते हैं, भले ही आपके पास आपको सही साबित करने के प्रूफ हो, उनकी दुनिया में ये सब व्यर्थ है, इसका मतलब कुछ नहीं है। महिलाएं कभी सॉरी नहीं बोलती। बता दें, अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी को पिछले महीने 16 साल पूरे हो गए हैं। इस प्यारे से कपल को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।